अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आल पाकिस्तान सेलिब्रिटीज। ड्रामा जेंटलमैन में आप यमुना और हुमायूं सईद को साथ में देख ही रहे हैं। हुमायूं सईद ने यमुना जैदी के मेकअप को लेकर ऐसी बात सुना दी कि फैंस तो हैरान ही रह गए। हुमायूं सईद के नए इंटरव्यू को देखकर फैंस हैरान हो गए। आइए जानते हैं कि यमुना जैदी के बारे में ऐसा भी क्या कह दिया हुमायूं सईद ने उनके मेकअप को लेकर। आइए जानते हैं मुकम्मल डिटेल्स। तो उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल आल पाकिस्तान सेलिब्रिटीज पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर दें। ड्रामा तेरे बिन में इससे पहले यमुना और वहाज की ऑन स्क्रीन जितनी केमिस्ट्री पसंद की जाती थी, ऑफ स्क्रीन भी वहाज अली यमुना जैदी को नेल पॉलिश लगाते हुए भी आखिरी एपिसोड से नजर आए थे बिहाइंड द सीन्स में। तो जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर एक्टर्स नजर आते हैं, रियल लाइफ में भी इनकी काफ़ी अच्छी बाउंडिंग हो जाती है और यही वजह है कि ये अच्छे से सीन्स कर सकते हैं। इसी तरह हुमायूं सईद से भी यही सवाल किया गया कि आपकी यमुना के साथ बाउंडिंग कैसी है और यमुना एक्टिंग कैसी करती हैं। तो हुमायूं सईद ने बड़ी हैरान करने वाली बात बताई कि बाकी अदाकाराओं को तो अपनी मेकअप की पड़ी होती है कि वो स्क्रीन पर जब नज़र आएं तो खूबसूरत नज़र आएं, उनका मेकअप खूबसूरत नज़र आए, लेकिन यमुना ऐसी हैं कि उन्हें मेकअप की इतनी परवाह नहीं होती जितने कि अपने सीन की परवाह होती है, और वह अपने सीन को लेकर ज़्यादा परेशान होती हैं ना कि अपने मेकअप को लेकर। उनको अपने मेकअप पर, अपने कपड़ों पर इतना एतराज़ नहीं होता जितने कि वो अपने सीन पर फोकस कर रही होती हैं। और नो डाउट यमुना जैदी इसीलिए तो इतनी फाइन एक्टर हैं कि फैंस उन्हें बेहद पसंद करते हैं, और ये बात तो हुमायूं सईद ने भी अपने इस इंटरव्यू में बता ही दी। तो आपको हुमायूं और यमुना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल आल पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।